अस्सलामुअलैकुम। आज मैं इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूँ S7 Edge के एक न्यू ऐप और फीचर के बारे में, जो कि आप यूज़ करके यकीनन खुश होंगे। और ये ना सिर्फ S7 Edge के लिए, बल्कि ये दूसरे सैमसंग के फ़ोन्स के लिए, जिनका फिंगरप्रिंट स्कैनर जो है वो फ्रंट पे है, मतलब उनके स्क्रीन के फ्रंट पे एक जो मेन बटन है मेन्यू वाला वो है, और उस पे ही फिंगरप्रिंट है। तो ये ऐप उन सब के ऊपर काम कर सकती है। तो इस ऐप का नया जो नेम है वो है फिंगर टच। ये आप आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से, फिंगर टच के नाम से ये ऐप है। तो ये आप फिंगर टच लिखेंगे तो ये फर्स्ट पे जो ऐप एप्लीकेशन है एम फैक्ट्री की जानब से, इसको आपने इंस्टॉल कर लेना है। इसका फ़ायदा ये है कि आपके जो फ्रंट बटन है उसको पहले तो आपको प्रेस करना पड़ता है, मतलब मेन स्क्रीन पे आने के लिए। लेकिन अगर आप ये ऐप यूज़ करेंगे तो आपका जो फ्रंट मेन बटन जो है वो एक 3D बटन की तरह काम करेगा, मतलब ऑन स्क्रीन जैसे फिंगरप्रिंट स्कैनर जो होते हैं, बस आपको उसको जस्ट टच करना पड़ेगा, मतलब दबाना नहीं पड़ेगा, सिर्फ टच करेंगे तो वो आपकी मेन स्क्रीन पे चली जाएगी। तो ये मैंने इंस्टॉल की हुई है, तो मैं इसे जस्ट ओपन करता हूँ। ओपन करने के बाद सिंपल सा इसका यूज़र इंटरफेस है, आपने जस्ट करना ये है कि स्टार्ट फिंगर टच सर्विस को पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपने सिर्फ अपना जो थंब है या जो भी उंगली है वो आपने मेन बटन पे रखेंगे तो ये वापस चला जाएगा।